एकेडमी वंस अगेन। होप कि आपको मजा आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट लाइफ साइंस सिलेबस एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो सिलेबस एनालिसिस, कई सारी चीजें मैंने आपसे सिलेबस सिलेक्शन के ऊपर बात कर दिया था, कैसे आपको सेलेक्ट करना है। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस एनालिसिस। क्या है सिलेबस एनालिसिस? बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस एनालिसिस पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नहीं मिलता है तो काफी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि सिलेबस एनालिसिस क्या है। बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जब हम बात करते हैं, देखो भैया इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स का पूरा सेक्शन है, ठीक है। वही सारी चीजें हैं, बहुत अलग नहीं है। जो भी आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, सारा इंपॉर्टेंस मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रोटीन एंड ऑल। उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स का सेक्शन 2 है एंड सेपरेशन टेक्निक्स। देखिए इसी सेक्शन 3 में बायोकेमिस्ट्री के इन्होंने टेक्निक्स को घुसा दिया है, और टेक्निक्स बहुत सारे टेक्निक्स नहीं दी है। आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद डीएनए प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस एंड यूवी विजिबल एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जितना टेक्निक दिया है उतना ही पढ़ना, ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें मत करना, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी में से उठा के पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगर बायोकेमिस्ट्री का दूसरा हिस्सा देखोगे, सेल बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, बायोलॉजी, ऑर्गेनेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, रिप्लिकेशन, मॉलिकुलर बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, इम्यून सिस्टम सब इंक्लूडेड है जो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। कहने का मतलब है आपका बायोकेमिस्ट्री का बेसिक एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म ये वाला पार्ट, इसके अलावा पूरा सेपरेशन टेक्निक ये वाला पार्ट है, इसके अलावा सेल बायोलॉजी इंक्लूडेड है, मॉलिकुलर बायोलॉजी इंक्लूडेड है एंड इम्यून सिस्टम इंक्लूडेड है। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास जो सिलेबस मेंशनड है, जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो जो भी सिलेबस आपके पास मेंशन है, एक्शन पोटेंशियल्स या जो भी है, इन्हीं चीज़ पे पढ़ने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ये आपको बेटर एंड क्लैरिटी के साथ चीज़ें अच्छा करवाएंगे। नाउ तो आगे देखने की कोशिश करना कि इसके बाद जो है केमिस्ट्री का सेक्शन है, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, स्पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, केमिकल इक्विलिब्रिया है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। बेटर होता है केमिस्ट्री सेक्शन को टैकल करने के लिए इसके बाद ये सारे टॉपिक्स हैं। तो टू सॉल्व द बेट केमिस्ट्री सेक्शंस, मैं केमिस्ट्री सेक्शंस के लिए बार बार कहता हूँ, दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल एक्सेल स्टूडेंट। जैसा मैंने बताया था, कंपलसरी का मतलब है क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, सेक्शन कंपलसरी है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि केमिस्ट्री करने का सबसे अच्छा तरीका होता है PYQs से करना। PYQs अगर आप 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, या 2010 भी पकड़ लो, ठीक है ना, इतने भी कर लोगे ना, तो आपके पास इतने टाइप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस जो हैं, जब भी एग्ज़ाम आप दोगे तो आपका बेटर प्रिपरेशन होता चला जाएगा। एक सिंपल सा तरीका, देखो पहली बार करोगे केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन आपके पल्ले से बाहर मिल रहे हैं, 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर से सॉल्व करोगे, उसमें से 15 में से कई सारे टॉपिक फिर रिपीट मिलेंगे, कम से कम 2-3 टॉपिक, फिर करोगे 3-4 मिलेंगे, फिर 5-6, ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आप 10 पेपर तक जाओगे, शुरू का पेपर और लास्ट का पेपर देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपको कम से कम 15 में से कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बेसिक रिपीटेड कॉन्सेप्ट से आएंगे। रिपीटेड कॉन्सेप्ट, वंस अगेन आई रिपीट, रिपीटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट से आए होंगे, नॉट क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। सो कहने का ये मतलब है कि जब भी गेट एक्सेल पढ़े या कोई भी एग्जाम दे, तो वहां पे कोई भी PYQ से जब लर्न करे ना, तो आंसर नहीं रटना है भाई, कॉन्सेप्ट समझना है। कोई क्वेश्चन आ गया तो चलो भैया ये क्वेश्चन जो है वो एरोमेटिसिटी से है, कि बेंजीन के रिंग पे कौन कहाँ रखेंगे तो एसिडिटी बेसिसिटी कैसे डिक्रीज होगी, तो इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। ये नहीं कि हाँ भैया आंसर रट लिया, भैया इस केस में ये आंसर होगा, नो नॉट लाइक दैट। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे तो थी। देखो केमिकल इक्विलिब्रिया आपसे पूछा ही जाता है, किसमें, बायोकेमिस्ट्री में आएगा बायोकेमिकल इक्विलिब्रिया, पीएच बफर, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, बायोकेमिस्ट्री में भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आता है वहाँ पे, रिएक्शन काइनेटिक्स जिसके स्पेसिफिक हम बात करते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन आएगा ही आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा ही आएगा, कौन छोड़ेगा भाई, बिल्कुल आता है। तो इसलिए कहते हैं इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज देयर, ये जो है ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली वही है पूरा का पूरा जब हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री में, तो ये सेक्शन तो वैसे ही कॉमन है, तो कई सारे सेक्शन जो है वो कॉमन हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं स्किप करना चाहिए। बॉटनी में जब हम बात करें तो देखो इसमें क्या है, प्लांट सिस्टमेटिक्स है, क्लासिफिकेशन है, एनाटॉमी है, फिर डेवलपमेंट है, सेल टिश्यू मॉर्फोलॉजी है, फिर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दिस सेक्शन इज कॉमन टोटली विद द बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से पूरा कॉमन है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है हॉर्मोन्स वगैरह का, सिंथेसिस एंड ऑल,
बाकी सारा कॉमन है। कैम साइकिल C3 C4 अगर आप देखोगे ना, जिसको लग रहा है जब मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसे कुछ नहीं है। सी यार देखिएगा जो मैं अभी बता रहा था, देखो TCA साइकिल, कैल्विन साइकिल, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन आपके बायोकेमिस्ट्री से कॉमन है, दिस सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जेनेटिक्स, फिर अगेन कॉमन, मॉलिकुलर क्लासिकल जेनेटिक्स कॉमन ही होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। इसके बाद ये जो है प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा सा अलग है, जीनोम एडिटिंग एंड ऑल, क्रिस्पर कैस, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक अप्लाइड बॉटनी है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप देखेंगे ये सेक्शन फिफ्थ वन और फोर्थ वन कॉमन ही है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए मैं बोला था 30% सिलेबस कॉमन है बायोकेमिस्ट्री से। तो वाई यू शुड चूज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपको बायोकेमिस्ट्री क्यों चूज करना चाहिए अलॉन्ग विथ बॉटनी एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि नाउ दैट बॉटनी के बाद देर इज केस दैट इज फॉर प्लांट पैथोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स भी हैं यहाँ पे जो आ जाते हैं। पैथोलॉजी में कई सारे इंट्रैक्शंस होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में देखो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, माइक्रोबायोलॉजी के मेथड्स है, टैक्सोनॉमी है, अब सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये आपको मिल जाएगा, एंड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा जो है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ये भी कॉमन मिलेगा कुछ कुछ। माइक्रोबियल डिजीज ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कीमोथेरेपी पाथवे, एंटीबायोटिक्स पढ़ना पड़ेगा, अगेन जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में बहुत कम होता है जो आपको मिलता है, आपको इसका जेनेटिक्स अलग होता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स का, बट कुछ कुछ जेनेटिक्स, DNA रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें कुछ कॉमन मिलेगा। तो ये सेक्शन कुछ कॉमन मिल सकता है, मेटाबॉलिज्म में कुछ कुछ कॉमन मिल सकता है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कॉमन मिल सकता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन होगी, तो ऑलमोस्ट 20% यहाँ पे भी कॉमन है बायोकेमिस्ट्री का ही हिस्सा, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ, जितना टॉपिक्स है उतना टॉपिक्स भी पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट द जूलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, ये चीज़ आपको अलग से पढ़नी है। जेनेटिक्स कॉमन है अगेन, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी कॉमन, सेल बायोलॉजी कॉमन, जीन एक्सप्रेशन कॉमन, देखो कितने कॉमन है। सबसे ज़्यादा जूलॉजी, क्यों मैंने बोला था बायोकेमिस्ट्री के बाद जूलॉजी, बिकॉज आप देखेंगे 4 सेक्शंस आर कॉमन हियर, ऑलमोस्ट 40% भाई। टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं देखो, 11 का 4 सेक्शन कॉमन है। उसमें भी अगर आप देखेंगे इम्यूनोलॉजी भी कॉमन है, 5 सेक्शंस आर कॉमन। तो 5 सेक्शंस इज कॉमन, 5 सेक्शन जो है वो कॉमन हो गया 11 में से, ऑलमोस्ट 50% ऑलमोस्ट कॉमन मिल रहा है, क्या करोगे अब, ठीक है। तो यू कैन लर्न, आप खुद देख सकते हो, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी सेलेक्ट किया तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पे इकोलॉजी भी है और इवोल्यूशन भी है। इकोलॉजी आपके प्लांट में भी था, एनिमल में भी होगा। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे जो बेटर ऑप्शन सेलेक्ट किया था, 3 का कॉम्बिनेशन, दैट इज फॉर दैट बायोकेमिस्ट्री, देन जूलॉजी, देन बॉटनी, क्योंकि इसमें से 40% और ऑलमोस्ट 30% ये चीज़ें चलती रहती हैं गाइस। तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी मर्जी है, आप लर्न करना चाहते हो तो। इसके अलावा जो है फूड टेक्नोलॉजीज में, ये तो अलग ही है पूरा का पूरा। केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, सेक्शन बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा ही कॉमन होगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का हिस्सा कॉमन हो रहा है, अगर माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ते हो। फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज आते हैं, अब इसमें थोड़े थोड़े टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं, इंजीनियरिंग का पार्ट है पूरा पूरा। ये हीट एंड मास ट्रांसफर है पूरा का पूरा जो कि पढ़ा जाता है इसमें। सो दिस इज द सिलेबस एनालिसिस गाइस। अल्टीमेटली आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि वॉट यू हैव टू ऑप्ट, आपको कैसे चीज़ें करनी हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है क्या नहीं है। तो आपने जिस तरीके से देखा, बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी सिमिलर, बायोकेम इज 40% सिमिलर टू द जूलॉजी, ये जूलॉजी से सिमिलर होता है, 30% और बॉटनी से होता है, एंड माइक्रो से 20% होता है। तो ये 30% इधर सिमिलर है, इधर ये 20% है, एंड इधर ये 40% है। टॉपिक जो है, ये सारे सोर्सेज जो पढ़ने हैं, जैसा कि बार बार बता रहा हूँ कि हम गेट के कोर्सेज लेके आएंगे। गेट एक्सेल का जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं वो 14th of November, दैट इज़ दिवाली वाले दिन हम लॉन्च करेंगे, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ लर्न कर सकते हैं। द कॉस्ट विल बी मिनिमल, पिछले बैच की तरह के से ही कॉस्ट मिनिमल होगा। हमें जो है आपकी हेल्प भी करनी है और अपना घर भी चलाना है, तो उसी हिसाब से हम कॉस्ट रखते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाना है और आपकी हेल्प नहीं करनी है, ऐसी बात ही नहीं करते, ठीक है। सो व्हाट एवर गाइस, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सिलेबस। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बुक से पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन, स्टैंडर्ड बुक्स में पाथ फाइंडर इज देयर, या गूगल से सर्च करो b-ok.org, एक वेबसाइट है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यू कैन लर्न फ्रॉम दोज ऑल्सो। सो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगर समझ में आ गया है, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और मेरी टीम हमेशा तत्पर रहेगी आपकी हेल्प करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।
means to clear the CSIR NET Life Science, I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.